है तो वो ये जो मैं करता हूँ सुबह होता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोजहा के परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार को कुष्ठ रोग मुक्त करने का संकल्प लिया। संकल्प दिलाते हुए कोविड प्रभारी डॉक्टर विनोद यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को हम सब शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह खास अवसर है जब पूरे देश में इस तिथि को हम सब कुष्ठ दिवस के रूप में मना रहे हैं। बिहार को कुष्ठ रोग मुक्त करने के लिए हम सब यहां संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुष्ठ रोग के इलाज में देरी के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इससे व्यक्ति को शारीरिक अपंगता हो सकती है, उसके अंग कुरूप हो सकते हैं, तंत्रिकाएं स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। बीमारी का जल्द से जल्द इलाज जरूरी है ताकि मरीज के ऊतकों को गंभीर नुकसान न पहुंचे। कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों को समाज में फैली गलत अवधारणाओं और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि इस बीमारी का जल्द इलाज हो जाए तो इन रोगियों को इन तमाम मुश्किलों से छुटकारा मिल सकता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, सही समय पर इलाज शुरू हो जाने से रोगी 6 महीने में ठीक हो जाता है। वहीं फार्मासिस्ट देवेंद्र कुमार ने कहा कि कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए कुष्ठ रोगियों की पहचान कर पूरे मनोयोग से उनकी सेवा करना मानवीय धर्म है। समय रहते कुष्ठ रोगी को MDT दवा खिलाकर विकलांग होने से बचाया जा सकता है। अब वह समय दूर नहीं है कि हम सबके सतत प्रयास से बिहार कुष्ठ रोग मुक्त राज्य बन जाएगा। बोचहा से मुमताज आलम की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। ठीक ना, कब से ऐसा है? 14 दिन से बुआ है। कितने दिन से है बताइए ना? घर कहाँ? बलिया हुआ घर। अच्छा जी, बलिया इंद्रजीत की है ये। अच्छा जी, ये तो रिंका कुमारी है, ये 15 वर्षीय। इनका चेकअप किया गया है और जो दाहिना पैर में एनेस्थेटिक है, ये सुन्न है। इनको पीवी एडल्ट के रूप में जो है इनकी पहचान की गई है। पीवी MDT दवा इनको दिया जा रहा है और खासकर ये खास मौका है कि पूरे देश में कुष्ठ रोग का जो पखवाड़ा है वो चल रहा है। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो शहादत दिवस है उसको हम सब स्वास्थ्यकर्मी मनाते हैं पखवाड़े के रूप में, जो 12 फरवरी तक चलेगा। और इस दरमियान तमाम गाँव गमई में विभिन्न पंचायतों में कुष्ठ रोग की खोजी भी चल रही है। संजोग से ये प्रभावित हैं, ये सभी जानते हैं कि छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत करीब से इन लोग का ट्रीट करते हैं। जैसा कि डॉक्टर विनोद यादव जी ने अभी अपने स्वयं इन्होंने निरीक्षण भी किया है। ऑब्जर्वेशन किया। पहला केस आया है ये आपने? पहला केस है, इससे पहले बहुत सारे केस चलेगा जी। बताइए, मतलब ये जो है ना ऐसा कम करना, तुम कंटिन्यू 6 महीने दवाई खाना, मिनिमम 6 महीने दवाई खाते हैं, दवाई बंद नहीं करेंगे। ये दो कैप्सूल देख रहे हो ना, ये पहला दिन का डोज है गोली, ये तीनों एक दिन का खाना है, पहला दिन खाना है, ठीक ना। उसके बाद लाइनिंग किया हुआ सेकेंड थर्ड है ना, 2, 3, 4 इसी प्रकार से एक एक करके किसी और सेशन में खाना है। ये पहला दिन दोनों कैप्सूल एक गोली खा लेना है। आज स्टार्ट कर दो इसको, कल से यहाँ से स्टार्ट करो, कोई एक स्टार्ट करो और यही ये दवाई एक दो बचे उसे फिर जाके ले जाना। ये एक महीना कंटिन्यू चलेगा, 6 महीने खाइएगा। 28 दिन का डोज है, 28 दिन है, 27वां दिन तो फिर चले आना यहाँ, फिर इनसे मिल लेना दवा। कार्ड आपको दे दिया गया है, ठीक है ना? कार्ड जब लाइए, कार्ड लेकर आप आएंगे दवा आपको दे दी जाएगी, जिसमें डेट दे दिया गया है। 1 तारीख से आपका शुरू हो गया, 21 तारीख से, और फिर जैसे ही खत्म होगा 28 दिन पूरा होगा, उसको आप लेकर आएंगे, ये दवा आपको फिर दिया जाएगा। ये कितने दिन खाना है? 6 महीने तक।